दोस्तों दो तरह की कैटेगरीज होती है जो कि किसी भी यूट्यूबर को एक करोड़पति यूट्यूबर बना देती है। पहली कैटेगरी जिसमें व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कॉमेडी वाइंस की वीडियोस हो गए, उसमें बहुत व्यूज आते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि अगर व्यूज बहुत ज्यादा आए तो अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी जिसमें व्यूज तो कम आते हैं, या फिर ये कहें कि जिसमें एवरेज व्यूज आते हैं, कम व्यूज आते हैं, नॉर्मल व्यूज आते हैं, लेकिन उसमें अर्निंग बहुत ज्यादा होती है कम व्यूज पर भी। और आज के इस वीडियो में हम इस सेकंड कैटेगरी के बारे में ही बात करेंगे जिसमें व्यूज कम है लेकिन पैसा बहुत, और बहुत का यहाँ पर मतलब है कि ये कैटेगरी आपको करोड़पति बना सकती है। तो बना क्या सकती है, अगर आपने चैनल ग्रो कर लिया ना तो आप करोड़पति बन जाओगे। हमारी बातें तो होती रहेगी, हम डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी और सबसे मेन चीज़ को मैं पहले रिवील कर रहा हूँ, पहले पॉइंट में आपको इस टाइप के वीडियोज़ बनाने हैं अपने चैनल्स पर जिसमें बाहर की कंट्री से भी व्यूज़ आए, इंक्लूडिंग USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी व्यूज़ आए। यानी कि आपको इस टाइप की वीडियोज़ बनाने हैं जिसको हर कोई देख सकता है, हर कंट्री से आपके व्यूज़ आए, इस टाइप के आपको वीडियो बनाने हैं। क्योंकि बाहर की कंट्री में तो बहुत कम व्यूज़ पर बहुत ज़्यादा डॉलर बनते हैं, वहाँ पर तो अर्निंग लगभग 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है इंडिया के मुकाबले, इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है वहाँ पर। तो आपको ऐसे वीडियोज़ बनाने हैं जिस पर बाहर से व्यूज़ आए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हम किस टाइप से वीडियो बनाएं कि बाहर से व्यूज़ आए, हम तो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, बाहर के लोग हिंदी में वीडियो देखते नहीं है। तो देखो पहली शर्त तो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है कि आपको इंग्लिश में वीडियो बनाने पड़ेंगे तो बाहर से व्यूज़ आएंगे। इंग्लिश में आप फेक्ट वीडियो बना सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हो, ट्यूटोरियल वीडियो बना सकते हो, या फिर किसी भी टाइप की वीडियो हो जो आप इंग्लिश में बना सकते हो, तो उनमें बाहर से व्यूज़ आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाहर से व्यूज़ आते भी हैं। ठीक है, USA से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ से आपके व्यूज़ आएंगे और आपके बहुत ज़्यादा डॉलर बनेंगे। यानी 1000 व्यूज़ पर हो सकता है कि आपके $25, $30, $40 भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। $50 भी बन जाए आपके 1000 व्यूज़ पर तो बड़ी बात नहीं है, इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है। अब आप सबके माइंड में यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हमें तो इंग्लिश आती नहीं है तो क्या हम बाहरी कंट्री से व्यूज़ नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हो। चार्ली चैपलिन का नाम आपने सुना है, मिस्टर बीन का नाम आपने सुना है, 5 मिनट क्राफ्ट जो कि वर्ल्ड के टॉप यूट्यूब चैनल्स में आता है उसका नाम आपने सुना है, किड्स के चैनल्स जिन पर बिलियंस में व्यूज़ होते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा स्कोप इसी कैटेगरी में, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी कैटेगरी में आते हैं किड्स के चैनल्स पर, तो क्या इनमें लैंग्वेज मैटर करती है? बिल्कुल नहीं करती। चार्ली चैपलिन ने तो बिना बोले ही कॉमेडी की दुनिया पर राज किया है, तो यहाँ पर लैंग्वेज तो बीच में आई ही नहीं। किड्स जो वीडियो को देख रहे हैं ना तो उन्हें कुछ आता है, बोलना आता है, ना जो किड्स वीडियोस में दिख रहे हैं ना उन्हें कुछ बोलना आता है, यहाँ पर भी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। 5 मिनट क्राफ्ट, वहाँ पर तो एक शब्द कोई नहीं बोलता, साइलेंट मतलब म्यूजिक चलता रहता है और वीडियो चलता रहता है, और देखने वाले समझ जाते हैं और दिखाने वाले बहुत इंटेलिजेंट है तो वो भी सब कर देते हैं बिना बोले, तो वहाँ पर लैंग्वेज मैटर नहीं करती। तो आपको इस तरह से दिमाग लगाना पड़ेगा तो आपके बाहर से भी बहुत व्यूज़ आएंगे और बहुत पैसा बनाओगे और आप भी एक दिन करोड़पति बन जाओगे। तो पहला पॉइंट यही था कि आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है कि आपके बाहर से व्यूज़ आए। अब आप सोचोगे कि यार हमें तो इंग्लिश में वीडियो नहीं बनाने और ना ही हमें इस टाइप की वीडियो बनानी है कि हमें बाहर से व्यूज़ आए, हमें तो इंडिया में ही व्यूज़ लाने हैं। तो इसके लिए सेकेंड कैटेगरी आती है जिस पर सबसे ज़्यादा डॉलर्स बनते हैं कम व्यूज़ पर, वो है फाइनेंस। बहुत ज़्यादा इस पर डॉलर बनते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यार इसमें बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में टिक पाते हैं। लोग वहाँ पर पैसा क्यों लगाएंगे जहाँ पर आप कहोगे? लोग अपनी ज़िंदगी में वो क्यों करेंगे जो कि आप कहोगे? लोग अपने पैसों को सेव क्यों करेंगे? इस जगह क्यों लगाएंगे, उस जगह क्यों लगाओगे जहाँ पर आप बोलोगे? आप बोल दोगे कि यहाँ पर पैसा लगाओ, क्यों लगाएंगे लोग? ट्रस्ट की वजह से, विश्वास की वजह से। और वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा वो आपके वीडियो में ही पता चल जाएगा। लोग देखकर समझ जाएंगे कि इसे कितना नॉलेज है, इसके पास कितनी स्किल्स है, ये जो बोल रहा है ये सही है या नहीं है, वो आपके वीडियो में साफ साफ दिख जाएगा। आपके बोलने के तरीके से, आपके कॉन्फिडेंस से, या फिर आपके नॉलेज से ही दिख जाएगा। तो ट्रस्ट अगर बिल्ड हुआ तो लोग आँख बंद करके आपके विश्वास करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इस कैटेगरी में CA रचना रनाड़े, अंकुर वारिको, गीगल, पुष्कर ठाकुर, ये कुछ इस टाइप के चैनल्स है जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों को देते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर पैसा लगाना है तो ये पैसा लगा देते हैं लोग। अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि आपको अपने पैसों को इस जगह लगाना है, इस तरह से पैसे मैनेज करना है, तो लोग आँख बंद करके उनकी बात पर विश्वास कर लेंगे और उसी तरीके से अपने पैसों को मैनेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास बनाया, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करा उन्होंने। और ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा? मैंने कहा ना, नॉलेज से। अगर आपको इसमें नॉलेज है तो ही इस कैटेगरी में आना, अदरवाइज। नंबर 3 पर हम चलते हैं। नंबर 3 पर आती है डिजिटल मार्केटिंग। देखो मुझे इस कैटेगरी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है सच कहूँ तो, और जहाँ मुझे नॉलेज नहीं है वहाँ पर मैं क्यों ही आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ? तो इस कैटेगरी में भी ना बहुत स्कोप है, बहुत अर्निंग होती है इसमें भी। आप सर्च करना, जिन्हें ऑलरेडी पता है उनको बताने की जरूरत है ही नहीं, जिन्हें नहीं पता है वो यूट्यूब पर सर्च करें, अच्छे से नॉलेज गेन करें, इसमें बहुत अर्निंग है। ठीक है, बात करते हैं 4th पॉइंट की, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है, वो है अर्निंग रिलेटेड चैनल। और इस कैटेगरी में बेसिकली आप क्या करते हो, लोगों को बताते हो ऑनलाइन अर्न कैसे किया जाए, और लोगों को ये बताकर ही आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो। कितनी कमाल की बात है ना। इस कैटेगरी में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो संजीव कुमार,
पुष्कर राज ठाकुर, सतीश के वीडियो, ये लोगों को ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं ये बताते हैं और लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करते हैं। अब आपकी इसमें अर्निंग किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि आपके बहुत कम व्यूज़ पर बहुत डॉलर बनेंगे तो एडसेंस से तो आपकी बहुत अर्निंग होगी। दूसरा, आपको स्पॉन्सरशिप बहुत मिलेगी इस कैटेगरी में और आप हर वीडियो में कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं होता है, तो स्पॉन्सरशिप से आपकी बहुत अर्निंग होगी। तीसरा, आपकी रेफरेंस से भी बहुत अर्निंग होगी, या फिर ये कहेंगे सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी तो गलत नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, ग्रो ऐप और अपस्टॉक इस टाइप की ऐप्स जो हैं, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग ऐप है, ये क्या कर रही थी, रेफरेंस पर ये 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये इस टाइप से कुछ अच्छा खासा अमाउंट दे रही थी। यानी कि आपकी लिंक से अगर किसी ने साइनअप करा तो आपको मिलेंगे 400 रुपये या फिर 200 रुपये, 100 रुपये, जितना भी था। तो मान लो आपने चैनल ग्रो कर लिया, आपके हर वीडियो पर 1,00,000 व्यूज़, 50,000 व्यूज़, 30,000-40,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं मान लो, और आपके कहने पर 1,000 लोगों ने भी आपकी लिंक से रजिस्टर करा, साइनअप करा, तो आपको कितने रुपये मिलेंगे, 4,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, सिर्फ एक वीडियो के रेफरेंस से। उस वीडियो की एडसेंस से अर्निंग अलग, स्पॉन्सरशिप से अलग और रेफरेंस से अलग, यानी कि कुल मिलाकर के पैसा ही पैसा होगा। तो अर्निंग रिलेटेड चैनल में तो बहुत अर्निंग है, नाम में ही अर्निंग है तो फिर अर्निंग तो होनी ही है। अब बात करते हैं, देखो नंबर 2 और नंबर 4 को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक और नई कैटेगरी बनती है जिसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। उसमें क्या होता है, आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज भी देते हो और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हो, जैसे कि पुष्कर राज ठाकुर बनाते हैं। यानी कि आप उसमें क्या करते हो, आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन तो देते ही हो कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते हो कि पैसे कमाएं कैसे, प्रैक्टिकल तरीके से आप ये भी बताते हो उसे, कई सारे ऐप्स के बारे में बताते हो, कई सारे तरीके बताते हो जिनसे लोग पैसा कमा सकते हैं, और फिर आप उसी चैनल पर आप यही बताते हो कि उन पैसों को मैनेज कैसे करें, उन पैसों को किस टाइप से इन्वेस्ट करें कि आपका जो पैसा है वो टाइम के साथ में लगातार बढ़ता रहे और आपका जो रिटायरमेंट है वो बिल्कुल सिक्योर हो। तो इस कैटेगरी में भी आप इंटर कर सकते हो, कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। तो ये हमने बात की जिनमें बहुत कम व्यूज़ पर बहुत ज़्यादा डॉलर बनते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार बाकी जो कैटेगरीज इनमें कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर बनते हैं, क्या इनमें स्कोप नहीं है। बात करते हैं व्लॉग्स की, म्यूजिक के वीडियो की, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, मोटिवेशन या फिर अदर जो कैटेगरी जो कि छूट गई उनमें कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर्स बनते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो यार पहले एड्स कमाते थे, कंपनीज कम थी, यूट्यूब पर इतनी नहीं आई थी तो अर्निंग भी कम होती थी, यानी बहुत ज़्यादा व्यूज़ पर बहुत कम डॉलर बनते थे। लेकिन अभी की बात करें तो एवरेज 2,000 से 2,500 व्यूज़ पर एक डॉलर बन जाता है। अगर आपका लॉन्ग वीडियो है 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो और अगर आप बीच में एड लगाते हो वीडियो के बीच में, तो वहाँ पर फिर आपकी 1,500 व्यूज़ पर, 2,000 व्यूज़ पर, 1,000 व्यूज़ पर भी डॉलर बन जाते हैं। तो इधर भी अर्निंग कम नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको बताया ना उधर, उनमें क्या होता है, उनमें तो लगभग 500 व्यूज़ पर, 700 व्यूज़ पर, कभी कभी 400 व्यूज़ पर, 300 व्यूज़ पर डॉलर बन जाते हैं। और मैंने तो एक का सुना था, मेरे फ्रेंड का, उसने बताया था कि उसने बिटकॉइन पर वीडियो बनाया, वीडियो अच्छा चल भी गया और उस वीडियो पर अर्निंग कितनी पता है, उस वीडियो पर लगभग 70 व्यूज़ पर एक डॉलर बना, 70 व्यूज़ पर, सीरियसली कितनी ज़्यादा अर्निंग है सोचो। तो वो कैटेगरीज थी जिसमें कम व्यूज़ पर बहुत डॉलर बनते हैं, ये कुछ कैटेगरीज है जिनमें व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं उन पर भी अच्छे ही बनते हैं डॉलर्स। अब हम आते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट पर। अगर आपने पूरा वीडियो देखा और ये पार्ट नहीं देखा, यानी आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सीखा, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपने ले ली और फंस जाओगे इससे करके, तो इस वीडियो के इस फाइनल पार्ट को जरूर देखना, छोटा सा पार्ट है। ऐसी कैटेगरी जिसमें आपका इंटरेस्ट तो बहुत है लेकिन यार उस कैटेगरी में ना पैसा बहुत कम है, ऐसी कैटेगरी में चैनल बना लो। और वहीं दूसरी ओर ऐसी कैटेगरी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उस कैटेगरी में बहुत बहुत पैसा है, इस कैटेगरी में चैनल मत बनाओ, डूब जाओगे, क्योंकि लालच आपको मार देगा। लालच के चक्कर में आप वहाँ से यहाँ पर आए तो ना तो आप वहाँ पर कुछ कर पाए ना ही यहाँ पर कर पाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। और फिर मेरे पास में कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे मेल करोगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं क्या करूँ, बर्बाद हो गया वगैरह, मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। आपको ये सारी चीज़ें ना पहले सोचनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप सब लकी हो, तो पहले से सोच लेना इन चीज़ों को, ठीक है, आप ऐसा ना लगे कि आपके 1-2 साल 3 साल बर्बाद हो गए। तो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है उस कैटेगरी का अच्छे से नॉलेज लो, उसमें अपनी स्किल डेवलप करो और उसके वीडियोज़ बनाओ, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा वहाँ पर। और मैंने कहा ना हर कैटेगरी में अर्निंग बहुत है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर कुछ सीखा है तो एक लाइक तो बनता ही है। और ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं काफी सारे रेगुलर बेस पर, तो उनको मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।